Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Online, and today, as you can see on the top of the board, exam tips. हाँ बिल्कुल सही सुना आपने. हम आ गए हैं आखिरी मुकाम पर, आखिरी वीडियो पर और आखिरी लेसन, द लास्ट लेसन, क्योंकि हमने शुरुआत की थी द लास्ट लेसन से और ये आज आपका आखिरी लेसन है. सब कुछ तैयार है, सब कुछ आपने तैयारी कर ही ली होगी, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. पर फिर भी जैसे कि हमारे पास हथियार तो होते हैं पर उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कैसे चलाना है, जब तक वो हमें नहीं पता होता तो वो हथियार सब बेकार होते हैं. तो जितनी भी आपने पूरे साल पढ़ाई की है, जितनी भी आपने स्टडी पूरे साल की है, जितना भी आपने सुना है मुझे, जितना भी आपने समझा है या किसी भी चीज़ को फॉलो किया है, उसका आखिरी में किस तरह से यूज़ किया जाएगा, कैसे वहाँ प्रेजेंटेशन दी जाएगी, कैसे उसमें मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि वहाँ उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, उससे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स आपको बताऊँगा या डिस्कस करूँगा. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं. तो बात करते हैं क्वेश्चन पेपर को कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें. बच्चों, 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे में आपको बहुत कुछ लिखना होता है. मेरा खुद का ऐसा ऑब्जर्वेशन है और खुद का मेरा एक्सपीरियंस भी है कि कई बार बच्चे सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं, स्टूडेंट्स को सब कुछ पता होता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, बट इवन देन एट द लास्ट कई बार उनका पेपर छूट जाता है. उसकी वजह होती है टाइम का सही से मैनेज ना कर पाना, या जितना बताया गया उससे ज़्यादा लिखना, या फिर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खर्च कर देना, या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर जो है वो अपने आपको डाइवर्ट करते रहना, या फिर कुछ गलत पढ़ लिया हो या कुछ गलत सोच लिया हो तो उस पर भी जो है हम डिस्कस करते रहते हैं और हमारा टाइम इस तरह से निकल जाता है. तो हमें क्या करना है, हमें ये मान के चलना है कि हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए 3 घंटे नहीं है, हमारे पास टाइम है 3 घंटे 15 मिनट. क्योंकि आपको बता दूं, मैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो पेपर होता है वो आपको 10:15 पर मिलता है, 10:30 पर आपको लिखना स्टार्ट करना होता है. तो इसमें आपके पास 15 मिनट का वो गैप होता है. वो 15 मिनट का जो गैप है आप उसको अपने रीडिंग सेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो अनसीन पैसेज है उसको सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं. और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि अगर आपने इस 15 मिनट को, इस 15 मिनट्स को, इस फर्स्ट पैसेज को सॉल्व आउट करने में यूज कर लिया तो आप जो है टाइम में बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी आपकी विन विन सिचुएशन यहां पे हो जाएगी. यानी बिल्कुल आप श्योर हो जाएंगे कि आपका टाइम पेपर खत्म हो जाएगा और आप उसको रिवाइज भी कर पाएंगे. तो रीडिंग सेक्शन में क्या करना है हमें कि 15 मिनट जो हमें मिलेंगे उसमें इधर उधर देखने के बजाय, या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब देखने के बजाय हम ये फोकस करेंगे कि जैसे पेपर हमें मिलता है तो हम जो है वो फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. अब पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ बच्चे जो है वो पैसेज को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर आंसर मिलता है. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, फर्स्ट पैसेज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके कीवर्ड्स को चेक करें, उस पैसेज के यानी क्वेश्चन, उस पैसेज के क्वेश्चन जो है उसके कीवर्ड्स को चेक करें, उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें और उस कीवर्ड को ही आंसर में यानी पैसेज में सर्च करें. कहीं ना कहीं यानी अगर वो पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी ऊपर ही होगा, तो यानी वो पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में आपको वो कीवर्ड कहीं ना कहीं मिल जाएगा और जहां वो कीवर्ड मिला उसके आसपास उसका आंसर होगा, तो आपको उसी को उठा के वहां लिख देना है. ध्यान रखिए कि रीडिंग सेक्शन का जो अनसीन पैसेज होता है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक से मार्क्स नहीं कटते हैं, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप एज इट इज को चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, मार्क्स का आपको लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ उसको उठा के वहां आंसर में लिख देना है. ठीक है, और ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको जनरली 1 मार्क देंगे और 1 मार्क के लिए आपको सफिशिएंट है कि आप 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा ना लिखें. कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, 1 वर्ड का भी होता है, तो 1 वर्ड में भी आंसर हो सकता है और फिर भी आपको लगता है, तो आप 2 से 3 जैसा ज्यादा लाइन ना लिखें, क्योंकि ज्यादा लाइन लिखने से भी ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे और जो है वो आपके टाइम जो है वो चला जाएगा. तो 2-3 लाइन में ही आप आंसर को ढूंढने की कोशिश करें और उसी में आपको आंसर फिनिश करना है. अच्छा, क्योंकि अनसीन पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 MCQs भी आते हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सेकंड का सी है और वो पूरा उसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं. पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, एमसीक्यूज जब कर रहे होंगे, तो यहां पर फर्स्ट का
ए लिख दें, सेकंड का सी लिख दें, थर्ड का ये लिख दें और सिर्फ ऑप्शन लिखकर भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, वहां से भी आप टाइम को सेव कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप सिर्फ ऑप्शन लिख देंगे तो भी आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है। अब सिनोनिम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स में कई बच्चों को जो है दिक्कत होती है, वो सिनोनिम एंटोनिम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम को ढूंढने का तरीका है कि वहां पैराग्राफ नंबर दिया होता है, दो ही क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम पे, तो पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली जाएं और वहां पर उस वर्ड के मीनिंग को ढूंढें। या तो आपको वर्ड वर्ड डायरेक्टली पता होगा, अगर पता है तो आपको इजीली मिल जाएगा, और नहीं पता है तो आप लाइंस रीड करके उसके अकॉर्डिंग जो है मीनिंग जो है देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। या फिर थर्ड जो तरीका है वो है हिट एंड ट्रायल। ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है वही उसका आंसर होगा, वो आप लिख दें। या फिर आपको लग रहा है कि दो किसी वर्ड्स में कंफ्यूजन है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है नोट मेकिंग पर। तो नोट मेकिंग में भी आपको क्या करना है, जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पैसेज को पढ़ते जाना है, साथ साथ में ही वहां कीवर्ड को अंडरलाइन करते जाना है, सो दैट जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको दोबारा से बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने सारे कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं, सब कुछ तैयार है, और आप जो है वहां पर नोट्स बना दें और नोट्स बनाने के बाद वहां पर टाइटल दे दें, और जितने नोट्स में आपने एब्रेशन यूज किए उनमें से कोई भी 5 वहां पर एब्रेशन लिख दें। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा एब्रेशन लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 5 एब्रेशन लिखेंगे तो भी 1 मार्क मिलेंगे और 50 लिखेंगे तो भी 1 मार्क ही मिलेंगे। तो आप शॉर्ट स्वीट लिखें। इसी तरह से हम उसका सेकंड पार्ट पर आते हैं, समरी में। समरी में भी आपको जो है 80 वर्ड्स में करना है, अप्रोक्सीमेटली 12-15 लाइंस में आपको समरी लिखनी है, उससे ज्यादा में आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन वो जो है टाइम का वेस्टेज होगा। तो हुआ क्या, कहने का मतलब कि 15 मिनट को आपको जो है वो फर्स्ट रीडिंग सेशन को यूज करना है। अब 10:30 बजे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, 10:30 बजे आप, तो टीचर साहब 10:30 बजे कहेगा कि यू कैन नाउ स्टार्ट राइटिंग। तो या तो आप ये करेंगे, अगर आपने पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया है मन ही मन में अपने दिमाग में, तो आप उसके आंसर्स या तो कॉपी में कर दें, क्योंकि ये फर्स्ट पैसेज जो है आपको कितने मार्क्स देने वाला है, 12 मार्क्स इससे मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब 15 मिनट के अंदर तो आपने 12 नंबर तो वहीं अर्न कर लिए हैं, उसके लिए बाकी का जो पेपर अभी बहुत टाइम, उसके लिए 3 घंटे आपके पास पड़े हैं, ठीक है। तो वो आप जो है वो क्वेश्चंस जो है उसके आंसर आपने फाइंड आउट कर लिए, आप जैसे ही 10:30 बजे बोला जाए तो उसको लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर आपको लगता है कि आपने आंसर ढूंढ रखे हैं, आपको याद सब कुछ तैयार है, बाद में इसको कर लेंगे, तो मेरी सजेशन एक ये भी है कि आप चाहें तो उल्टा पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी सेक्शन सी से अपना पेपर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन सी से आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सीक्वेंस ब्रेक करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं, सीक्वेंस ब्रेक करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी सेक्शन उठाएं, पहले आप सेक्शन सी से करें या सेक्शन बी से करें या सेक्शन ए से करें, कोई भी सेक्शन जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर याद रखें, थोड़ा सा मेंटेन करें कि आप जो भी सेक्शन उठाएं उसको पहले पूरा करें। ऐसा ना हो कि किसी एक क्वेश्चन को हमने सेक्शन ए से कर लिया, दूसरे को हमने बी से कर लिया, तो ऐसा रेंडमली नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी को स्टार्ट करें, सेक्शन सी में आप 7, 8, 9, 10 कर सकते हैं, या फिर 10, 9, 8, 7 दोनों में से किसी भी सीक्वेंस से आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आपने पूरे साल जो है वो अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, और ये वो सेक्शन है जो ऑलरेडी आपको लर्न है, आपको समझ में आता है क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इंसिडेंट्स थी, क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, क्या पोएम थी, वो सब आपको आता है। तो ये वो सेक्शन जिसमें आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आएगा, फटाफट आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो 45 मिनट्स के अंदर आपका ये सेक्शन पूरा हो जाना चाहिए, है ना। ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, मैं एवरेज बता रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये सारा सेक्शन हो जाना चाहिए। इसमें भी क्या तरीका है कि जितना पूछा गया हम उतना ही लिखें, यानी 7 मार्क्स जो है, 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सट्रैक्ट वाला आएगा, 8th वाला भी एक्सट्रैक्ट वाला होगा चैप्टर से, तो यहां पर सिर्फ 1 लाइन 1 वर्ड में ही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसमें आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स वाले, उसमें 3-4 लाइन 3-4 लाइन में आपको आंसर करना है, जितना पूछा उतना 3-4 लाइन में आंसर करके खत्म करना है। उसके बाद 9 एंड 10 में आएगा, तो उसमें आपको 1 से 1.5 पेज में आपको फिलअप करना है। बहुत ज्यादा अगर आपको आता हो तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है, जितना पूछा गया उतना लिखकर भी आप अर्न कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, इसी तरह से आपको पेपर को मैनेज करना है। तो ये वो सेक्शन है जो आपको कितने मार्क्स देगा, 30 मार्क्स के लिए आप करेंगे ये। और अगर आपने 45 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली में कर लिया, तो आपके पास 30 मार्क्स तो ऑलरेडी आ गए हैं, 12 मार्क्स आपने यहां से अर्न कर लिए, तो इस तरह से आपके 42 मार्क्स तो आपने क्रॉस कर दिए हैं।
और ये सेक्शन करने के बाद आपको एक तो रिदम आपकी बन जाएगी, एक आपको कॉन्फिडेंस आपसे अपने आप से आ जाएगा और आपकी स्पीड भी जो है वहां से बन जाएगी। उसके बाद सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी जो है सबसे टाइम टेकिंग जो है सेक्शन होता है, इसको हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली कि वो किसी किसी को एक घंटा, डेढ़ घंटा, सवा घंटा तक वहां लग जाता है। तो 90 मिनट्स का मैंने इसको टाइम दिया है और ये आपको मिल देगा 30 मार्क्स। इसमें टाइम हमारे पास ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर हम सोचते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं, टॉपिक्स हमें पता नहीं है, आर्टिकल्स भी, डिबेट नोटिस, किसमें क्या टॉपिक आएगा, लेटर में क्या टॉपिक आएगा, इसलिए हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ फॉर्मेट आता है। तो हम यहाँ पे सोचते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, सोचते हैं, फिर सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस को जमाते हैं, प्रेजेंट करते हैं और फिर हम इतना स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। यहाँ पर भी वही चीजें अप्लाई होगी कि आपको जितना पूछा गया उतना लिखें, वर्ड लिमिट पर ध्यान रखें, जितना मैंने बताया था उस हिसाब से आपको लिखना है, उतना अगर आप लिखते हैं तो वो सफिशियंट है कि आप उसमें कर पाएंगे। बार बार कटिंग ओवर राइटिंग ना करें या किसी आंसर को आधा लिखने के बाद उसको ना काटें। कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि थोड़ा लिख देते हैं, उसका उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है, उसको काट देता हूं, दोबारा लिखता हूं, तो वो आपका टाइम काफी ले जाएगा। उससे भी थोड़ा सा बचें या अवॉइड करें उसे। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी बी, सॉरी उसका सेक्शन ए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। और कोशिश करना है आपको कि एट द लास्ट आप जो है पूरे पेपर में से, यानी कि सेक्शन ए जो है वो आप उसको भी 45 मिनट देंगे। वैसे तो यहां पर ये 180 मिनट्स है ना, हाँ 180 मिनट जो है वो आपके पूरे होते हैं, यानी तीन आर जो है पूरे होते हैं, पर क्योंकि 15 मिनट हमारे पास यहां पर भी थे, तो इस 15 मिनट में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट यानी 5 से 10 मिनट 15 मिनट जो है वो आपको किसमें देने हैं, रिवीजन में देने, किसमें देने, रिवीजन में। जो भी आंसर्स आपने किए हैं, जो भी पेपर आपने पूरा किया है, कोशिश करें कि आप उसको रिवाइज कर पाए, क्योंकि कई बार होता है कि ह्यूमन मिस्टेक होती है, छोटी मोटी मिस्टेक जिसको हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी जो है वो हम छोड़ देते हैं एग्जामिनर के लिए कि वो आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर रेड सर्किल लगा देगा जिसके वो मार्क्स काट लेगा। तो अगर हो सके तो 5 से 10 मिनट निकाल के अपने पेपर को रिवाइज करने की कोशिश करें, सो दैट आप छोटी मोटी मिस्टेक जो आपने खुद ने कर दी, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, उसको ठीक करके सही कर सके, सो दैट जिससे कि आपकी छोटी मोटी गलती एटलीस्ट आपके मार्क्स ना कटें। तो इस तरह से आपको वो करना है। दूसरी बात, आप जो आंसर कर रहे होंगे, जो आपने कान से किए हैं, उनके लिए आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हम उसको किसी कीवर्ड को क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने आंसर लिखे और उस आंसर में कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उस आंसर के लिए, तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, तो जिससे कि एग्जामिनर जो है उसको अच्छा लगेगा और आपकी कीवर्ड्स इजीली आइडेंटिफाई करके चेक करके आपको आंसर पूरे मार्क्स आपको पूरे दे सके उस आंसर के लिए, ठीक है। इसी तरह से जब आप पैसेज वाला करेंगे, नोट मेकिंग वाला, तो वहां पर भी आप एब्रीविएशन जो बनाएंगे उनको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कि जो जो एब्रीविएशन आपने बनाई उनको अंडरलाइन कर दें, सो दैट वो एग्जामिनर जब की टू एब्रीविएशन बॉक्स में चेक करेगा तो क्रॉस चेक करते वक्त उसको ईजी रहेगा उसको चेकआउट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम देते वक्त, और छोटी मोटी बातें एग्जाम से पहले की, कि आप जो है एग्जाम टाइम से पहुंचे, एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें, स्टेशनरी जो आपको रिक्वायर्ड है, पेन पेंसिल पेपर रबर जो भी आपको चाहिए वो सब आप ले जाएं ऑलरेडी एडवांस में, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। हर एक दिन, हर एक एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 एग्जाम की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एग्जाम को आप इंपॉर्टेंट लें। ये ना सोचें कि मैंने पहले गलती ना करी तो इस बार तो नहीं होगी, ऐसा कई बार हो जाता है कि हमने पहले नहीं की तो अभी हो सकती। तो आप हर एक दिन को बहुत अटेंटिवली जो है वो जिए, अटेंटिवली अपने ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, पानी खूब पिए और रात को प्रॉपर स्लीप लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टेंशन या डिप्रेशन या चिंता की वजह से जो है रात को सोते नहीं है, रात भर पढ़ते हैं और अगले दिन एग्जामिनेशन में सोते हैं। तो एग्जाम देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील फ्रेश करें, यानी उस समय, यानी 10:30 से 1:30 बजे का जो टाइम है उसमें फ्रेश फील करें, और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रात को आराम से 5-6 घंटे की नींद लेंगे और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होकर जो है अच्छे से एग्जाम देने जाएंगे, तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको टाइम पे पहुंचना है, सो दैट आप लास्ट टाइम में पैनिक ना हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पे जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, उनको लगता है सब तो आ गए हैं, अब मैं अकेला रह गया हूँ, ये हो गया होगा। तो उस बात से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले जो है कोशिश करें कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे और जैसे ही बैल हो उसके अकॉर्डिंग आप अंदर जाना स्टार्ट करें। सारी चीजें अपने पास रखें, ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं, अच्छा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाएं, 2-5 मिनट के लिए वॉक कर लें, कुछ म्यूजिक सुन लें, इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज कर सकते हैं, एंथुसियास्टिक रख सकते हैं और बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है।
जिंदगी का सिर्फ एग्जाम है, कुछ नंबर कुछ मार्क्स जो है जिंदगी को डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड करती है तो आपकी काबिलियत। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि आप जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सब में काफी काबिलियत है और आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी बहुत बेटर बहुत ही बेस्ट आप करेंगे। तो उससे बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारे मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, पढ़ाई करना, अच्छा प्रेजेंटेशन देना, अपनी कोशिशें करना, बाकी जो है बात की बात है। और जिंदगी कभी जो है कुछ नंबर्स के से नहीं रुकती, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, कोशिश करें और बाकी सब छोड़ दें गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर। माँ बाप का आपका आशीर्वाद है, मेरा आपका आशीर्वाद आपके साथ है, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, होप टू मीट यू सून। और एग्जाम देने के बाद जरूर अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट करिएगा, कीजिएगा कि कितनी आपको हेल्प मिली और कितना आपको जो लगता है कि इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस, गुड बाय, टेक केयर।